आज मैं आप लोगों के साथ गाढ़ी क्रीमी मलाईदार रबड़ी वाली नवाबी खीर की रेसिपी शेयर करी हूँ। केवल 15 से 20 मिनट के अंदर इतनी गाढ़ी क्रीमी मलाईदार खीर पॉसिबल है। बस उसको बनाने का सही तरीका और सही इंग्रेडिएंट, उनका प्रपोर्शन ठीक से पता होना चाहिए, तब आप इसे बेहद आसानी से बना सकते हैं। गणेश उत्सव के लिए, बापा के प्रसाद के लिए बनाइए या किसी भी फेस्टिवल में बनाइए, खीर तो हमेशा ऐसी ही बननी चाहिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। 1 kg के मेजरमेंट से गाढ़ी रबड़ीदार खीर बनाने की शुरुआत होती है चावलों के साथ। किसी भी कंपनी के कोई भी चावल आप ले सकते हैं, बस शॉर्ट ग्रेन राइस लीजिएगा। शॉर्ट ग्रेन राइस मतलब छोटे चावल। मैंने ये बासमती लिए हैं, लेकिन ये छोटे हैं। ये बस इसलिए क्योंकि छोटे चावलों में स्टार्च ज़्यादा होता है, और स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से चावल आपस में जुड़े हुए रहेंगे। आपको कभी भी ये परेशानी नहीं आएगी कि खीर में चावल एक तरफ भाग रहे हैं और दूध एक तरफ, दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे। चावल को मैंने 1/4 कप जितने चावल, यानी कि 1 मुट्ठी जितने चावल, आधा घंटा पहले ही पानी में भिगा के रख लिए थे। भिगाने के 2 फायदे, एक तो चावल का कलर हल्का पड़ जाता है, और भिगाने से चावल की कुकिंग प्रोसीजर फास्ट होगी। कम समय में चावल जल्दी पकेगा और अच्छी तरीके से सॉफ्ट पकेगा, तो ये चावल भीग कर तैयार है। अब यहाँ इन चावलों का ये पानी हम निकाल कर इन्हें एक मिक्सी जार में लेंगे और इन्हें थोड़ा सा पीस लेना है। ज़्यादा नहीं, मतलब एक चावल के 3-4 टुकड़े हो जाए, कुछ इस तरीके से। चावल पीसने के बाद इसे बाजू में रखेंगे। यहाँ मैंने एक मोटे तले की हेवी कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 1 लीटर जितना बफेलो मिल्क, फुल क्रीम दूध। ये बफेलो मिल्क को हमें पहले उबाल लेना है, एक बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ तक की प्रोसीजर में अब तक मुझे लगे हैं 7 मिनट। तो 7 मिनट के अंदर मैंने चावलों को पीस भी लिया और दूध में उबाल आ भी गया है। जब दूध में ये ऐसा एक बॉयल आ जाए, थोड़े से दूध को अलग करके एक बोल में हम निकाल लेंगे, जिस बोल में पहले से ही केसर के धागे थे, जिससे केसर वाला दूध अच्छे कलर पर आ जाएगा। ये हम बाजू में रखते हैं। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए, उसी वक्त तुरंत जो चावल हमने थोड़े से ग्राइंड किए हैं, हम इसमें मिला देंगे। अब यहाँ पर पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में चावल बिल्कुल तले में जाके बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी ऊपर, बिल्कुल पतला पतला सा आपको लगेगा चावल। ऐसा लगेगा कुछ लोगों को कि कहीं ये चावल इसमें कम तो नहीं पड़ जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी चावल हमारे कच्चे हैं, पके नहीं। अब चावलों को आपको पकने देना है। हाई फ्लेम रखेंगे, इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब एक दो मिनट बाद आपको इसको चलाते रहना है, बिल्कुल कड़ची से नीचे घुमाते हुए। आपको बताएं, ये खीर इतनी क्रीमी और थिक बनने का कारण चावल और दूध उबलने की प्रोसेस में भी है। मतलब जो चावल हमने यूज़ किए, वो शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ किया जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। अब ये चावल का स्टार्च और दूध में मौजूद फैट दोनों मिलके एक थिक प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, उसी को हम खीर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये चावल और दूध अच्छे से पक रहा है, तब तक काजू अगर आप खीर में डालने वाले हों तो, मैंने यहाँ पर 10 काजू मुझे खीर में डालने थे, लेकिन इन काजुओं को मैंने गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। अब यहाँ आती है आपकी दूसरी कंडीशन। यहाँ देखिए, दूसरी कंडीशन में चावल जो नीचे जाके बैठे हुए थे, वो आपको ऊपर दिखने शुरू हो जाएंगे। वो दिख इसलिए रहे ताकि वो अच्छे से पक चुके और ऊपर आ चुके हैं हल्के होकर। जब ऐसी कंडीशन आपको आपके खीर में नज़र आ जाए, तब आप क्या करें, थोड़ा सी गैस की फ्लेम को कम पर कर दीजिए। 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने दीजिए। तब तक यहाँ पर जो काजू हमने पानी में भीगने के लिए रखे थे, गर्म पानी की वजह से अच्छे फूल चुके हैं। हम इसे मिक्सी जार के अंदर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारी खीर में एग्जैक्टली वही काम करेगा जो काम ये काजू की पेस्ट किसी भी ग्रेवी में करती है, ग्रेवी को थिक और रिच बनाने का। वही काम ये काजू की पेस्ट हमारी खीर में भी करेगी। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास थोड़ा सा मावा है, 1/2 लीटर बफेलो मिल्क मैंने लिया था। बफेलो मिल्क अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे मावा हमें मिल जाता है लगभग 100 ग्राम के आसपास, लेकिन हमें इतना नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच, यानी कि 50 ग्राम जितना मावा मैं इसमें से आधा ही डाल रही हूँ। इतना मावा हम इसमें ऐसे ही हाथ से थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डाल देंगे। ये मावा गर्म दूध में अच्छे से घुल मिल जाएगा। मावा डालने से ये जो इसकी टेस्ट है और बढ़ भी जाएगी, रिचनेस बढ़ जाएगा, और खीर के बारे में तो क्या ही कहना।
अगर मावा नहीं हो तो 2 टेबल स्पून जितने मिल्क पाउडर दूध में घोल के वो दूध भी आप इसमें मिला सकते हैं, बस एक क्रीमी टेक्सचर के लिए। मावा मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, तो क्वांटिटी के हिसाब से या मीठे के हिसाब से मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितनी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर घुलने तक ही पकाना है। तो आपकी इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ी वाली खीर बनके तैयार हो जाएगी। ये जो मावा किसी भी खीर में डालने की जो प्रोसीजर है ये इंस्पायर्ड है रामपुर की गुलत्थी से। रामपुर की गुलत्थी के बारे में अगर आपने जाना होगा तो गुलत्थी में मावा जाता है लेकिन उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हमने भी डाला है, क्वांटिटी बस कम है। तो इस तरीके से आप एकदम रिच क्रीमी थिक खीर बना सकते हैं। आपको आज की हमारी ये खीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसे कब बनाने वाले हैं ये लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।